कमलनाथ जल्द ही बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। आप लोग जो है ना, जब तक सनसनी खेज ब्रेकिंग न्यूज नहीं दोगे तो कौन देखेगा, कौन छापेगा? तो इसलिए ब्रेकिंग न्यूज के चक्कर में मत रहो। मेरी कल रात को कमलनाथ जी से बातचीत 10:30-11 बजे। इनकार की बात नहीं है, ये आप लोग कह रहे हैं, आप लोग एक्साइट हो रहे हैं। मैंने कहा मैं तो एक्साइट नहीं हूँ इस तरफ या उस तरफ। कमलनाथ का कांग्रेस के साथ 40 सालों से ज्यादा का सफर अब अंतिम पड़ाव पर है। कमलनाथ जल्द ही बीजेपी में शामिल होने वाले हैं, ये खबरें तकरीबन तय हो चुकी हैं। फिलहाल कमलनाथ छिंदवाड़ा का 5 दिनों का जो दौरा था वो 4th दिन ही खत्म करके दिल्ली रवाना हो चुके हैं। नमस्कार, आप देख रहे खबर विभाग, मैं हूँ आपके साथ सुप्रिया सिन्हा। कमलनाथ के इस कदम से कांग्रेस खेमे में काफी ज्यादा खलबली मच गई है। चर्चाएं तेज हो गई हैं कि आखिर कमलनाथ ये कदम क्यों उठा रहे हैं। उधर बीजेपी ने इशारों में ही ये साफ कर दिया है कि राम भक्त कमलनाथ का बीजेपी में खुले दिल से स्वागत है। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें फिलहाल पुख्ता होती नजर आ रही है। तकरीबन ये तय हो चुकी है कि कमलनाथ और नकुलनाथ बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। छिंदवाड़ा में 5 दिनों का दौरा अचानक 4th दिन रद्द कर दिल्ली जाना ये बता रहा है कि कांग्रेस में कुछ तो बड़ा होने वाला है। खासकर कमलनाथ और नकुलनाथ के पॉलिटिकल करियर में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। हालांकि कमलनाथ और नकुलनाथ ये खुलकर नहीं कहते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है, लेकिन उनके करीबियों के ट्वीट से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कमलनाथ और नकुलनाथ बड़ा दांव खेलने की तैयारी में है। चलिए अब आपको ये भी बता दें कि कमलनाथ के कांग्रेस आलाकमान से नाराजगी की आखिर पूरी वजह क्या है। 2020 में कांग्रेस की चलती हुई सरकार गिराने का जिम्मेदार भी माना गया। 2023 में हुई करारी हार का जिम्मेदार मानकर इस्तीफा लिया गया। 2023 के चुनाव में कमलनाथ को फ्री हैंड नहीं दिया गया। 2023 चुनाव के ठीक पहले जेपी अग्रवाल को हटाकर राहुल गांधी के करीबी सुरजेवाला को प्रभारी बनाया गया। नेता प्रतिपक्ष का पद कमलनाथ या उनके समर्थक को ना देकर उमंग सिंघार को दिया गया। एमपी से राज्यसभा की अकेली सीट के लिए खुद सोनिया गांधी के सामने अपनी दावेदारी जताई, लेकिन राहुल गांधी के इनकार करने की वजह को भी नाराजगी का बड़ा कारण माना जा रहा है। राज्यसभा के जरिए कांग्रेस में सियासत करने की आखिरी गुजारिश को भी आला कमान ने अशोक सिंह को एमपी से राज्यसभा भेजकर खत्म कर दिया। खैर ये तो रही कमलनाथ की नाराजगी की वजह। अब आप ये भी समझिए कि कमलनाथ ने कब कब और किस तरह कांग्रेस छोड़ने के इशारे दिए। 4 फरवरी को कमलनाथ ने कहा कि कोई कांग्रेस पार्टी से बंधा हुआ नहीं है, कहीं भी जाने के लिए वो स्वतंत्र हैं। 13 फरवरी को छिंदवाड़ा में कमलनाथ ने कांग्रेस छोड़ने के सवाल पर मीडिया से पूछा कि आपकी क्या राय है, तो वहीं 14 फरवरी को एमपी में रहने के बावजूद कमलनाथ अशोक सिंह के राज्यसभा नामांकन में शामिल नहीं हुए। 16 फरवरी को उन्होंने कहा कि मैं सबसे सुझाव ले रहा हूं। नकुलनाथ ने ट्विटर बायो से कांग्रेस हटाकर लिखा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा का 5 दिनों का दौरा 4th दिन ही खत्म कर अचानक दिल्ली चले गए। हालांकि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह दोनों ही बीजेपी में जाने की अटकलों को खारिज कर रहे हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं कमलनाथ और दिग्विजय सिंह। अगर ऐसी कोई बात होगी सबसे पहले मैं आप लोगों को ही कहूंगा। मैं तो कह रहा हूँ इनकार की बात नहीं है, ये आप लोग कह रहे हैं, आप लोग एक्साइट हो रहे हैं। मैंने कहा मैं तो एक्साइट नहीं हूँ इस तरफ या उस तरफ, पर बात यह है कि अगर ऐसी कोई बात होगी मैं आप सबको सबसे पहले खबर करूंगा। सुन लीजिए, ये कोई पलायन नहीं है। एक बात सुन लो, छिंदवाड़ा में है कमलनाथ जी तो जी, ये तो आप लोग जो है ना, जब तक सनसनी खेज ब्रेकिंग न्यूज नहीं दोगे तो कौन देखेगा, कौन छापेगा? तो इसलिए ब्रेकिंग न्यूज के चक्कर में मत रहो। मेरी कल रात को कमलनाथ जी से बातचीत 10:30-11 बजे हुई है, वो छिंदवाड़ा में है, और जिस व्यक्ति ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत नेहरू गांधी परिवार के साथ उनके पीछे साथ में खड़े होकर उस समय लड़ी थी जब पूरी जनता पार्टी और केंद्र की सरकार
इंदिरा जी को जेल भेज रही थी, उस आदमी को आप कभी उम्मीद भी कर सकते हो कि ऐसा आदमी कभी कांग्रेस और सोनिया गांधी जी के परिवार को छोड़ के जाएगा, इंदिरा जी के परिवार को छोड़ के जाएगा? आपको उम्मीद भी नहीं करना चाहिए। दरअसल कमलनाथ के करीबी और भरोसेमंद नेताओं ने कमलनाथ के दिल्ली पहुंचने के पहले ही सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट के जरिए ये साफ कर दिया कि कमलनाथ का कांग्रेस में युग खत्म हो चुका है। सज्जन सिंह वर्मा के अलावा कई नेताओं ने एक्स के अपने बायो में कांग्रेस ही हटा लिया। कमलनाथ के नजदीकी और कांग्रेस महासचिव सैयद जाफर के ट्वीट को देखिए। उन्होंने लिखा कि कमलनाथ जी का आगामी निर्णय छिंदवाड़ा के विकास और राष्ट्र के निर्माण के साथ राष्ट्रहित में होगा। वो आगे लिखते हैं कि कमलनाथ जी ने कांग्रेस के संरक्षक के रूप में हमेशा काम किया। इंदिरा गांधी, संजय गांधी, राजीव गांधी और सोनिया गांधी सभी के खराब वक्त के दौर में महत्वपूर्ण साथी रहे हैं कमलनाथ। आपातकाल के पूर्व और आपातकाल के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी जी के साथ तीसरे बेटे और संजय गांधी के भाई के रूप में भी काम किया है। राजीव गांधी जी को माँ इंदिरा गांधी जी और भाई संजय गांधी की कमी नहीं आने दी। वो आगे लिखते हैं कि सोनिया गांधी जी के वक्त कांग्रेस और कांग्रेस के बाहर जब कोई साथ नहीं था, तब कांग्रेस के अंदर और सहयोगी दलों में सोनिया गांधी जी के हाथों को मजबूत किया इन्होंने। राहुल गांधी जी के खिलाफ जब G23 बना, तब राहुल जी के संरक्षक बनकर कांग्रेस को कमजोर होने से बचाया। हनुमान भक्त श्री कमलनाथ जी 45 साल से अधिक कांग्रेस में सेवा देने के बावजूद भी कभी भी धार्मिक राष्ट्रवाद और विकास के मुद्दों पर समझौता नहीं किए। वो आगे लिखते हैं कि उन्होंने हमेशा दलगत राजनीति से उठकर जिला, प्रदेश और देश के विकास में सहयोग प्रदान किया है। वो कहते हैं कि मैं श्री कमलनाथ जी को पिछले 30 सालों से जानता हूं और लगातार 15 सालों से उनके लिए काम भी कर रहा हूं। देश और छिंदवाड़ा के विकास के लिए कमलनाथ जी का योगदान अविस्मरणीय है। कमलनाथ जी जैसे वरिष्ठ, अनुभवी और राष्ट्र सेवा को समर्पित नेता जो फैसला लेंगे वही उचित होगा। जाहिर है कमलनाथ के समर्थकों के पोस्ट और बीजेपी के रिएक्शन देखने के बाद यह साफ होता जा रहा है कि कमलनाथ जल्द ही बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। अब ये तो कमलनाथ जी से आपको ही पूछना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी ने सैद्धांतिक तौर पर, अगर किसी को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में उनकी नीतियों पर विश्वास करते हुए हमारे नेतृत्व के ऊपर जिनका विश्वास बनता है, तो ऐसे लोगों के लिए दरवाजे खुले हैं। ऐसे लोगों के लिए दरवाजे खुले हैं। अब ये तो उन्हीं से पूछना पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि सब स्वतंत्र है, कोई कहीं भी जा सकता है। ये तो खुद कमलनाथ जी ने कहा है। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि इस दिशा में, फिर मैं यही कहता हूं कि लोगों को अगर लगता है कि हम देश के लिए, समाज के लिए कुछ करना और पॉलिटिकली क्षेत्र में जाकर के करना, और वो हम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कर सकते हैं, तो आज मैं आपको वातावरण बता रहा हूं। हमने अपने दरवाजे इसलिए खोले हैं क्योंकि कांग्रेस में ऐसे लोग जिनको लगता है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार कांग्रेस करती है, भारत के मन में राम है, भारत के हृदय में राम विराजमान है, उनका अपमान कांग्रेस करती है, तो वो जो लोग हैं जिनके मन के अंदर पीड़ा होती है, तो उन्हें अवसर मिलना चाहिए। और अगर जिनका नाम आप ले रहे हैं उनके मन के हृदय में पीड़ा है, तो मुझे लगता है उनका स्वागत है। खबर तो ये भी है कि कमलनाथ अकेले कांग्रेस नहीं छोड़ रहे हैं। कमलनाथ सांसद बेटे नकुलनाथ के अलावा 10 से 12 विधायक, 2 महापौर, 2 जिला पंचायत अध्यक्ष और दर्जनों पूर्व विधायकों के साथ कांग्रेस को अलविदा कहने जा रहे हैं। सूत्र बता रहे हैं कि 19 फरवरी को कमलनाथ पहले अयोध्या में रामलला के दर्शन कर सियासत की नई पारी की शुरुआत बीजेपी के साथ करने वाले हैं। फिलहाल कांग्रेस की सेहत के लिए अगले 48 घंटे बेहद ही नाजुक होने वाले हैं। आप क्या कहेंगे इस वीडियो पर, हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही वीडियो को जितना हो सके लोगों में शेयर कीजिए।